अब देखिए केजरीवाल का जो होगा सो होगा, लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसने शिंदे सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग ऐसी भड़की कि कई जिले इस वक्त सुलग रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में ये आग लगाई किसने? इस आंदोलन ने कैसे शिंदे सरकार को बैकफुट पर ला दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। विधायकों और नेताओं के घर और दफ्तर जलाए गए, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय भीषण अराजकता का आलम है। जहां देखो वहीं भीड़ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रव पर आमादा है। विधायकों के घर दफ्तर ही नहीं, पार्टियों के दफ्तर भी टारगेट पर है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उपद्रवी भीड़ के सामने पूरा सिस्टम सरेंडर कर गया है। दरअसल ये आग भड़की है महाराष्ट्र के जालना जिले में शुरू हुई बेमियादी भूख हड़ताल के बाद। जालना में मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। मराठा समुदाय के लोग ओबीसी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मांग रहे हैं। ये आंदोलन महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल चुका है और भीषण हिंसा की तस्वीरें आ रही है। पंढरपुर में उपद्रवियों ने बस से यात्रियों को नीचे उतार कर बस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बीदर जिले के भालकी तालुका में उपद्रवियों ने कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस को आग लगा दिया। कोल्हापुर जिले के शिरोल में एसटी बस में तोड़फोड़ की गई। पुणे में हाईवे पर आगजनी कर दी गई, जिससे मुंबई सातारा हाईवे पर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं नांदूर के पास नेशनल हाईवे 6 पर मराठा आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। इस आंदोलन के दौरान भीड़ ने उन विधायकों को भी निशाना बनाया जो कि आरक्षण की मांग पर उनके साथ खड़े नहीं। भीड़ में जिन विधायकों या नेताओं के घर पर आगजनी की गई उनमें शामिल हैं एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके, एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर, शिवसेना नेता कुंडलिक खांडे का ऑफिस, बीड में एनसीपी शरद पवार गुट का ऑफिस, बीड में नगर पालिका की इमारत। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, 4 मंजिला इमारत, ये एनसीपी शरद पवार गुट का पार्टी दफ्तर है, जिला दफ्तर है, जिसको कल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आज सुबह की कि किस तरीके से जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया है। आपको चारों तरफ जो है वो कुर्सियां जली हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही साथ पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे भयभीत कुछ मराठा विधायक पार्टी लाइन छोड़कर आज मुंबई में राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। इनमें एनसीपी अजित पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के विधायक शामिल थे। वहीं मुंबई के भायखला में मराठा समुदाय के लोगों ने सरकार के रुख के खिलाफ सामूहिक मुंडन आंदोलन किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास किया था, जिसमें मराठा समुदाय को 16% आरक्षण को मंजूरी दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को रद्द कर दिया। एससी के 1992 के आदेश के मुताबिक किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण पहले से चला आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।